धर्मापाटीज, मेरे इस YouTube चैनल को देखने वाले मेरे धर्मा फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, आप सबों को जुले टशी दलेक नमस्कार। मैं श्रीन दोर्जे लद्दाखी। दोस्तों, चंद दिन पहले मैंने अपने लद्दाखी चैनल लद्दाख थ्रू एजिस में बचिक पलदान धामो यानी कि सरे देवी, जो कि एक बहुत ही हमारा प्रसिद्ध और बहुत ही इम्पोर्टेंट धर्मापाला, धर्म प्रोटेक्टर शुमा, जिसको हम छोस्क्यों बोलते हैं, है। और इनका मान्यता जो है पूरे तिब्बत में, बल्कि जितने भी हिमालयन रीजन्स में हमारे बुद्धिस्ट जो धर्म ब्रदर और सिस्टर्स रहते हैं, और जो महायाना और वज्रयाना ट्रेडिशन में जो है विश्वास करते हैं, इनके लिए तो जो है पलदान धामो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शुमा है। और लगभग जो है हर मोनास्ट्रीज में जो है पलदान धामो का या तो मूर्ति के रूप में, या फिर जो है थंका के रूप में, या फिर एटलीस्ट वॉल पेंटिंग के रूप में जो है हमको दर्शन मिलता है। जब मैंने ये लद्दाखी भाषा में जो है पलदान धामो के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर किए रिसेंटली, तो हमारे कुछ तवांग के, भूटान से या सिक्किम से और कुछ हिमाचल के हिस्सों से जो है कुछ धर्मा फ्रेंड्स ने इच्छा जाहिर किया कि आपने कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन शेयर किया लग रहा है, लेकिन क्योंकि आपने लद्दाखी में बोला है तो हमको समझ नहीं आया है। आप इसका एक हिंदी वर्जन भी अगर बना के जो है अपलोड कर दीजिए तो काफ़ी फायदा होगा करके ऐसे ख्याल इजहार किए थे। तो आप जानते हैं मेरा हिंदी बहुत ही टूटा फूटा है और अंग्रेज़ी तो उससे भी ज़्यादा टूटा फूटा है, तो मैं इनके इच्छा के अनुसार जो है कोशिश करूँगा कि पलदान धामो के बारे में एक संक्षेप में जो है मैं बताऊँ थोड़ा सा। तो दोस्तों, पलदान धामो जो है हमारे तिब्बत के जो है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही प्रसिद्ध जो प्रोटेक्टर्स है, धर्मा प्रोटेक्टर्स, उसमें से एक है। बाकी जो है जैसे महाकाला हुआ जिसको हम गोंदबो बोलते हैं, बैक्से हुआ जिसको हम चमसिंग बोलते हैं, यमन तका हुआ जिसको हम तमचंद छोटगर बोलते हैं, यमा हो गया जिसको हम शिरजे बोलते हैं, इस तरह छोचों तंडिन हुआ जिसको हम वचरा बैरवा बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है मचिट पलदान धामो जिसको हम संस्कृत में सरी देवी बोलते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है धर्मापाला है। उसमें से भी जो है देखा जाए तो जो है जो हमारा जो है जो गेलुकपा जो ट्रेडिशन है, उसमें से जो है जो दलाई लामा का जो इंस्टीट्यूशन है, गेलवा थमजा खिनबा कुठिन तंगपो से फर्स्ट दलाई लामा से लेके जो है पलदान धामो को जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टर और डीटी दोनों के रूप में जो है मान्यता था। और फिर दलाई लामा गेलवा फिफ्थ जो दलाई लामा जिसको जो है फिफ्थ ग्रेड बोलते हैं, गेलवा लोजंग ग्यासो, नवांग ग्यासो, सॉरी गेलवा नवांग ग्यासो के टाइम से तो बहुत ज़्यादा जो है दलाई लामा को उनका जो है एक तरीके से जो है गदन फोडंग जिसको बोलते हैं, टिबेटन जो कॉमन है, उनका जो है प्रोटेक्टर के रूप में जो है उन्होंने स्वीकार किए पलदान धामो को। तो आज के दिन तक अभी हिज होलीनेस 14 दलाई लामा है, इनका भी जो है मेन जो है शुमा जो है पलदान धामो है। मैंने देखा अरुणाचल तवांग में भी तवांग मोनास्ट्री जो है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत फेमस मोनास्ट्री है, एशिया का सेकंड लार्जेस्ट मोनास्ट्री बताते हैं, तो वहाँ भी जो है मचिट पलदान धामो जो है मेन वहाँ का जो है प्रोटेक्टर है, और उनको जलके बोल के बंद करके रखते हैं, साल में एक आध दफ़ा खुलते हैं, मेरे ख्याल में लोसार के टाइम खुलता है, शायद दर्शन मिलता है। तो पलदान धामो को जो है को लोग जो है बहुत उनमें जो है फैथ श्रद्धा और ये है। अब पलदान धामो कौन थे बोलने से, पलदान धामो का ऐसा कहा जाता है कि पलदान धामो जो है भगवान शक्यमुनि बुद्धा से पहले जो तीन बुद्धा आए थे, जो हमारा जो है संज्ञा खोरवाजिक, और उसके बाद संज्ञा हमारा जो है सेथुप, और उसके बाद जो है संज्ञा ओठरुंग, ये तीन संज्ञा तो जो है
संज्ञा शक्या बुद्धा शक्या मुनि से पहले आए थे, और हम कहते हैं कि बुद्धा शक्या मुनि जो है दमडेन जीपा है, फोर्थ बुद्धा इन सीरीज है। और इस तरीके से जो 1000 बुद्धा आएंगे, और आने वाला जो बुद्धा है बुद्धा शक्या मुनि के बाद नेक्स्ट जो है मैत्रिया चंबा है बोल के। तो ये पजल नामो फर्स्ट बुद्धा, सेकंड बुद्धा और थर्ड बुद्धा से भी एसोसिएटेड रहे हैं, और विशेष करके जो है थर्ड बुद्धा बुद्धा दीपंकर के टाइम में जो है, जब बुद्धा शक्यामुनि अभी बुद्धा नहीं बने, वो एक बोधिसत्व के रूप में जो है पैदा हुए थे, एक गेलोंग थे, गेलोंग वंगचुक बजबे करके, गेलोंग वंगचुक बजबे, अब ये नाम से जो है एक बोधिसत्व के रूप में, गेलोंग के रूप में थे। और पजल नामो भी जो है उस टाइम संज्ञर ओटरुंग के जो है फॉलोअर थे, और ये दोनों जो है ऐसे संज्ञा ओटरुंग के डिओटी जो है जब मिले तो उनका मुलाकात हुए, और उस टाइम जो है पजल नामो और ये बोधिसत्व जो बाद में जो बुद्धा शक्यामुनि बनना था, इनके बीच में जो है एक एग्रीमेंट टाइप के हुए कि जब आप नेक्स्ट बुद्धा शक्यामुनि बन के, कमडेन जीपा बन के, फोर्थ बन के जब दुनिया में जाओगे और अपना टीचिंग शुरू करोगे, तब मैं पजल नामो के या श्रीदेवी के रूप में जो है आपके धर्म का जो है प्रोटेक्शन करूँगा, मैं आपका फूमा बनूंगा, आपका छुस्क्यों बनूंगा, जो आपकी जो टीचिंग से उसको जो है दुनिया में फैलाने और उसको जो है प्रोटेक्ट करने में और आपके फॉलोअर्स को जो है प्रोटेक्ट करने में जो है मैं रोल प्ले करूँगा करके, इनका जो है संज्ञा ओटरुंग के टाइम, संज्ञा ओटरुंग के उपस्थिति में जो है जछम बोलते हैं ना, जछत थे, एग्री मतलब प्रॉमिस थे। तो ये तो जो है मतलब पास्ट का बैकग्राउंड है। अब जो है ये कहते हैं कि संज्ञा सेठुप के जमाने में ये जो पजल नामो है इनमें जो है बहुत ही जो है वो क्या कहते हैं जो है लालची और दुच्छक जेदंग जेदंग जो बहुत ज़्यादा जो है उनमें थे, और उन्होंने जेदंग से रिलेटेड जो है बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कर्मास किए, तो इसलिए जो है उनके अंदर जो है एक नेगेटिव कर्मा का जो है पक्षक और उसका जो है डिबा बोलते हैं ना, वो जो है उनके थे। और फिर संज्ञा ओटरुंग के टाइम में जो है उन्होंने जो है संज्ञा ओटरुंग के से जो है टीचिंग्स वगैरह ले के गिवर्चू या 10 वर्चुअस जो कर्मा है वो किए, तो उनके पास जो है उस 10 वर्चुअस कर्मा का भी जो है कुछ अच्छे जो है उनके पास जो है पक्षक बोलते हैं ना, हैबिचुअल टेंडेंसीज उनके दिमाग में थे, तो अकॉर्डिंगली जो है उन्होंने जो है पहले जो उन्होंने जो है दोछक और जेदंग से जो से जो है जो भी उन्होंने जो है नेगेटिव कर्मा किए उसकी वजह से जो है वो एक दुद्मो के रूप में पैदा हुए, और उनको शादी जो है एक दूध से हो गया, दूध मतलब राक्षस से। ये राक्षस कहाँ के थे, वो जो श्रीलंका का था, और श्रीलंका में जो एक बहुत बड़ा जो राजा था, और उसका काम जो है जनता को प्रजा को तंग करना, नेगेटिव काम करना, शिकार खेलना, और बुद्धिज्म के जो है बहुत ही आगे जो है काम करते थे, और श्रीलंका में जो है बुद्धा का जो है धर्म को जो है बिल्कुल स्थापना होने से जो है उसने नहीं होने दिया। तो फिर ये पजल नामो जो है उनका जो है सच शादी हो गया इनका। तो जब शादी हुए क्योंकि उनके अंदर जो है ये संज्ञा से ओटरुंग के टाइम का जो ओ, अच्छे कर्म गेवर्च्यू 10 वर्च्यूस कम 10 अच्छे कम जो हम करते हैं है ना, तो उसके जो है पुण्य से जो है अच्छा भी जो है अंदर उनके पास गुण था, और क्योंकि उससे पहले वाले जन्मों में जो है बहुत ज़्यादा जो है जेदंग किए, बहुत गुस्सा वाला रहा है, बहुत लड़ाई झगड़ा करने वाले रहा है, बहुत नेगेटिव रहा है, उस वजह से वो दुद्मो के रूप में पैदा हो गया, रक्षसनी के रूप में पैदा हो गया। तो ये दोनों जो है कर्मों का जो है फल तो हमेशा साथ साथ ही चलते हैं। तो जब उन्होंने वो रक्षा राजा से शादी किया
तो उनके अंदर जो है वो अच्छे कर्म संज्ञा ओषण के टाइम किए हुए जो है जो कर्मा की वजह से उनको जो है घिन लगने लगा जो अपने हस्बैंड राजा जो था कि ये जो है बहुत ही नेगेटिव है, ये बुद्धा के जो है भगवान बुद्ध के जो है टीचिंग्स के अगेंस्ट है, ये जो है धर्म के अगेंस्ट है, इसको तो किसी भी तरीके से जो है इसके माइंड को चेंज करना पड़ेगा ताकि ये बुद्धिज्म की तरफ आए और श्रीलंका में जो है बुद्धा का धर्म जो है फैलाने का काम करे ये। लेकिन उनके लाख कोशिश के बावजूद वो राजा में जो है कोई चेंज नहीं आया, उसके सोच में चेंज नहीं आया। इन द मीन टाइम इन दोनों के बीच जो है एक बच्चा हो गया और वो था लड़का। और फिर जो इन्होंने लड़के को जो है अपने लड़के को, क्योंकि नेक्स्ट राजा तो उसने बनना था, अपने लड़के को जो है उनके जो है सोच विचार में जो है ऐसे संस्कार डालने की कोशिश किया ताकि वो बहुत अच्छा जो है एक राजा हो, धार्मिक राजा हो, और वो बुद्धा के जो है टीचिंग्स के जो है बहुत ही फेवर में हो, और श्रीलंका में जो है बुद्धा के टीचिंग्स को ना सिर्फ जो है अपनाए बल्कि जो है बहुत ज़्यादा उसको जो है फैलाने में, उसको तरक्की कराने में जो है काम करे। लेकिन जो है उस बच्चे के ऊपर भी जो है बहुत ज़्यादा जो है अपने पिताजी का जो है असर था, इन्फ्लुएंस था, वो माँ का सुनता नहीं था, उसके अंदर भी वही रक्षा वाला जो है वो ज़्यादा जोर पकड़ लिया बच्चे का, और बच्चा जो है कभी माँ के सोच के मुताबिक नहीं बल्कि पिताजी के मुताबिक जो है वही काटना मरना रक्षा वाला काम, नेगेटिव काम ज़्यादा करने लगे। तो वो जो है ये श्रीदेवी जो है उस टाइम बहुत ज़्यादा ही ना उम्मीद हो गए, और अल्टीमेटली उन्होंने डिसीजन लिया, ओ अब तो मेरा हस्बैंड तो है ही राक्षस और है ही जो है बुद्ध शक्यमुनि के टीचिंग्स के अगेंस्ट, बाकी जो है ये जो बेटा है ये उससे भी 10 कदम जो है आगे निकल जाएगा, इसलिए अभी मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि मैं अपने जो है बेटे को मार डालूँ और मैं यहाँ से भाग जाऊँ। लिहाजा उन्होंने अपने 8 साल के बेटे को जो है वो मार डालता है, उसके जो है खून वो पी जाते हैं, राक्षसनी तो थी, और उसका जो है मांस वो खा जाते हैं, और उनका जो बेटे का जो चमड़ा जो है उतार के उनके पास एक खच्चर होती है, खच्चर जो सवार होके इधर उधर जाते थे, ये जो है ये ब्राउन कलर का जो है खच्चर था, वो खच्चर का जो है जो सेडल थे उसके ऊपर जो है उस चमड़े को जो है बिछाया और जो है अपने बेटे को जो है मार के वो भाग गया वहाँ से। जब भागे तो उस टाइम उसका हस्बैंड जो राजा था राक्षस राजा वो कहीं शिकार खेलने गए थे, जब वापस आया तो देखा घर में तो मतम छाया हुआ है, पूछा क्या हुआ तो बोला कि महारानी जी ने तो अपने बेटे को जो है मार डाला, सिर्फ मारा ही नहीं उसके जो है मांस भी खाए, उसको जो है खून पिए, और वो उसका चमड़ा उतार के जो है अपने खचार के जो है सेडल घा बोलते ना घा उसमें लगा के जो है वो तो भाग गए यहाँ से। जब ये बोला तो जो है कुदरती बात है राक्षस राजा जो है लाल पीला हो गया गुस्से से और तुरंत जो है उसने जो है पीछा करना शुरू किया, बदला नामों का पीछा किए। तो उस टाइम जो है उनका नाम पदला नामो नहीं था, उनका नाम रुमाती थी, रुमाती। तो रुमाती का पीछा किया तो बहुत दूर से जब दिखाई दिया तो राक्षस राजा ने जो है तीर मारा, वो तीर जो है रुमाती को नहीं लागे, वो तीर उस खचर के ये जो बटक होता है उसके जो है लेफ्ट साइड बटक में जो है तीर लगा, और फिर रुमाती ने जो है दुआ किया कि ये जो तीर जो है मैं इसको निकाल देता हूँ और इसका जो घाव है उसमें एक ऐसा आंग बन जाए कि मैं आगे की तरफ दौड़ूँ तो पीछे क्या हो रहा है जो है मैं इस आंग से देख सकूँ। तो आज अगर आप देखते हैं तो पल्लन नामो जो है एक खचर के ऊपर सवार होती है और उस खचर के जो है लेफ्ट साइड ये जो थाई के ऊपर जो बटक है उस पर जो है एक आंग होता है, वो उस टाइम का जो है इस तरह से कहा जाता है कि वो आंग ऐसे बने थे। बहरहाल वो राक्षस राजा जो है रुमाती को नहीं पकड़ सके और वो जो है उस खच्चर के साथ सवार होके जो है समंदर पार करके
वो पहुंच गया भारत इंडिया, और वो इंडिया से भी जो है पार करके वो तिब्बत पहुंचे, और तिब्बत से भी पार करके वो मंगोलिया जाके वो जो है मंगोलिया में जो है साइबेरिया में, जो साइबेरिया वाला इलाका है उस इलाके में वो रहने लगे, और कुछ अपना धर्म का विचार और कुछ जो पुराने जो पक्षक थे उस मुताबिक जो है कुछ सपना वगैरह जो है वहाँ करते रहे, और वहाँ जो है वो गुजर गए। तो गुजरने के बाद जो है अभी भी जो है जो उनके कुछ पिछले जन्मों का जो है नेगेटिव कर्मा, विशेष करके जो उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है ये जेदंग था, जेदंग उस वजह से जो है वो थोड़ी देर के लिए जो है, और प्लस साथ ही जो है उसने अपने बेटे को भी जो है मार डाला, उसका जो खून भी पिए, उसका मांस भी खाए, और उसका जो है खोपड़ी भी उठा के ले आए, उसका चमड़ा उतार के सैदल पे डाल के ले आए। तो चाहे उनका जो है क्या बोलते हैं हम, मोटिवेशन जो है बहुत पॉजिटिव था कि आने वाले समय में भगवान बुद्ध के जो है धर्म को जो है नुकसान ना पहुंचाए, ये उनका जो है मोटिवेशन था बच्चे को जो है मरने और उसको खाने के पीछे। लेकिन फिर भी एक्ट जो है जो काम किए वो तो नेगेटिव था, उस वजह से उनको जो है थोड़ी देर के लिए जो है नरक में भी जाना पड़ा, और फिर नरक में थोड़ी देर रह के वो नरक से कुछ कुछ करके जो है निकल आए। नरक से आते समय कहा जाता है उन्होंने दो चीज लेके आया नरक से, एक तो वो चमड़े का थैला था, वो थैला भर के जो है जो जो विभिन्न बीमारियों के जो विष था, कीड़ा था, हम इसको बोले बैक्टीरिया बोले या वायरस बोले, तो वो जो है नटी जिगर सही बोलते हैं ना, 424 किस्म के जो है बीमारियां बताया जाता है, उन सब का बीमारियों का विष जो है वो थैले में था, हेल में नरक में। एक तो उसको जो है सारे बीमारियों के विष को कटे करके थैले में डाला, थैले का मुंह बांध किए वो उठा के ले आए। दूसरा जो है एक डंडा जैसा, उसके ऊपर जो है एक दर्जे के टम दर्जे, तो ये दोनों लेके वो बाहर निकले और दार दार भटकने लगे, घूमने लगे, और बहुत दुखी था कि कहीं पहुंचा नहीं, उसको समझ नहीं आ रहा था कि आगे जो है उनके कर्मा में जो है क्या लिखा हुआ है। तो तब जो है फिर वो लास्ट में जो है बुद्ध शक्य मुनि के पास गए, संज्ञा शक्यथुबा के पास गए, और उनसे जो है उनके शरण में जाके उनसे बोला कि मेरे मान को शांति नहीं है, मेरे साथ ऐसे चीज़ें हो रहा है, बुद्धा कुछ ऐसा रास्ता बताया जाए कि जिससे जो है मेरा मान भी शांत हो और मैं जो है बुद्धत्व को जो है प्राप्त कर सकूं, और साथ ही जो है आपके धर्म को मैं जो है सेवा कर सकूं। तब बुद्ध शक्यमुनि ने उनको ब्लेसिंग्स किए और उनको जो है बुद्धा ने टीचिंग्स दिए, और उन्होंने वो ये याद दिलाया उनको कि आपको याद होगा इससे पहले बहुत एक कल्पा पहले जब बुद्धा संज्ञा ओशुंग के टाइम में, बुद्धा दीपांकर के टाइम में जो है मैं एक गेलों के रूप में पैदा था, आप भी थे, हम दोनों मिले थे, और आपने प्रॉमिस किया था कि जब मैं इस धरती पे आऊँगा और अपना टीचिंग शुरू करूँगा बुद्धा शक्यमुनि के रूप में, तो आप मेरे धर्म को जो है प्रोटेक्ट करेंगे, याद करो। जब ये याद दिलाया तो उनको सारे अपने जो है बुद्धा दीपांकर के टाइम जो है किए हुए अच्छे कर्मों का, इन सब का जो है उनके मेमोरी जो है रिगेन हुए, याद आए उनको, और फिर जो है वो भगवान बुद्ध के दिए हुए दमना टीचिंग्स और हर सपना हर चीज़ को जो है प्रैक्टिस करके जो है वो जो है सचुत तौर पर चमचुक सेंपा बोलते हैं ना, दास भूमि प्राप्त हुए, बोधिसत्वा हो गए, लेकिन अपने प्रॉमिस के मुताबिक तब से वो भगवान बुद्ध के टीचिंग्स को, संज्ञा के छोस को, धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो पल्लन हामो के रूप में, सेरी देवी के रूप में जो है वो जो है आज तक जो है काम कर रहा है, हम सबको बहुत मान्यता है, बहुत सारे लोगों को श्रद्धा है।
तो ये पदरनामों जो है कैसे बने। अब पदरनामों बेसिकली जो है क्या है बोलने से, लमा दुर्जे छन वाजरा धारा, जो वजरेना हमारा जो है ट्रेडिशन है या स्कूल है साग दुर्जे थे पे, उसमें जो है बुद्ध शक्य मुनि को जो है वज्र धारा बोलते हैं, है ना, लमा दुर्जे छन। तो उनका कंसोर्ट बोलते हैं ना युम, उनके रूप में भी जो है पलदल नामो है। और उनका जो है पता लमा दुर्जे छन के रूप में जो है उनका जो नाम है दुर्जे इंस की वंशुकमा, दुर्जे इंस की वंशुकमा। और फिर जो है ये हमारा जो है मंजूश्री जो है इदम के रूप में, जब ठोआ के रूप में होता है तो उसको हम इदम दुर्जे जिक्षेत बोलते हैं। वज्रा भैरावा, वज्रा भैरावा का भी जो है संयुम कंसोर्ट, उसके रूप में भी जो है पद्मनामों में उस रूप में दुर्जे रोलांसमा, दो हो गया। वैसे जो है बेसिकली जो है वो किसका मैनिफेस्टेशन है, किसका जो है मतलब ऑथर है या मैनिफेस्ट किए है बोलने से, हमो यंगचन्मा सरस्वती, सरस्वती का जो है रथफुल थोड़ा डरावनी रूप में। और फिर जो है एक तरीके से जो है वो डोलमा, यसुन डोलमा, व्हाइट तारा और ग्रीन तारा, उनका भी जो है मैनिफेस्टेशन है। तो इनके जो है सही मानी में जो है तीन अलग अलग रूप में मानते हैं। बेसिक रूप जो है बहुत ही पोलाइट, बहुत ही कंपेशनेट तारा डोलमा, चाहे व्हाइट तारा के रूप में देखिए चाहे ग्रीन तारा के रूप में देखिए। उससे थोड़ा सा जो है थोड़ा सा ठोआ बोलते हैं ना, रथफुल मतलब गुस्से में, और असली जो रथफुल रूप से बहुत कम, बीच में जो है स्तंत्रुम इच्छुक छोच की डोलमा एक जो है रूप उनका होता है, जो ज्यादातर जो है करगुत्पा और करगुत्पा में भी जो है विशेष करके ट्यूंग करगुत का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रूमा है, वो भी पद्मनामों का रूप है। मैं कोशिश करूंगा इसके बाद जो है इच्छुक अच्छी सोच की डोलमा के ऊपर भी जो है एक वीडियो बनाऊं जो पद्मनामों का इंटरमीडिएट रूप है। और फिर सबसे जो है आम जो रूप है जिसको हम पद्मनामों के रूप में देखते हैं, और वो है पद्मनामों मखजूर ग्यालमो, मजदूर जन्मो, जो बहुत ही जो है डरावनी और बहुत ही गुस्सा ठोआ रूप है, जो मेरे ख्याल में आपके तवांग मोनास्ट्री में भी है। तिब्बत जाइए, आप सिक्किम जाइए, आप लद्दाख जाइए, हर मोनास्ट्री में चाहे गेलुक हो, हिग्मा हो, सेरक्या हो, करगुत हो, इरिस्पेक्टिव पद्मनामों जो है आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, या तो मूर्ति के रूप में होगा, या तो जो है थंका के रूप में होगा, या पेंटिंग में होगा, लेकिन पद्मनामों जरूर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटी है और बहुत ही रेतफुल है, ड्रानी है। ड्रानी क्यों है बोलने से, तुंतम जीवे आंगला मायोस्क्या स्तंडा दुची टकमे स्कूर्जिन करके उनके सर्किम में लिखा है। तुंतम का मतलब बेसिकली हकीकत में जो है पद्मनामों बहुत ही पोलाइट है, महादयालु, मां करुणा से भरा हुआ। यीशु डोलमा को देखिए आप, यीशु डोलमा कितना पोलाइट है, महाकरुणा है, वही है यीशु डोलमा। स्तंडा दुलची टर्मे स्कूल चेंज पा, जो धर्म के मुताबिक नहीं चलता, जो भगवान बुद्ध के टीचिंग्स को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, भगवान बुद्ध के टीचिंग्स का जो है गलत इस्तेमाल करते हैं, भगवान बुद्ध के टीचिंग्स को जो है गलत तरीके से इंटरप्रेट करते करके जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, जो भगवान बुद्ध के जो है टीचिंग्स को लेके मैं लामा हूं, मैं डूबा हूं, मैं जो है फलाना हूं, मैं फिस्तान हूं करके उल्टे पुल्टे काम करके जो है भगवान बुद्ध के टीचिंग्स को जो है बदनाम करने का और धर्म के अगेंस्ट काम करने वालों के लिए वो ठोआ है, और फिर रथफुल फॉर्म में।
जैसे माँ के लिए बच्चा जो है बहुत ही प्यारा होता है, और बच्चे के लिए जो है जो प्यार जो है माँ कर सकती है, दुनिया का कोई और कर सकते नहीं। और माँ को हमेशा चिंता होता है अपने बच्चे का कि मेरा बच्चे को बीमार ना हो जाए, मेरा बच्चा कहीं गिर ना जाए, मेरा बच्चा कहीं पानी में ना चला जाए, मेरा बच्चा कहीं आग में ना चला जाए। इन्हें जब छोटा बच्चा जो है क्रॉलिंग करते हुए आग की तरफ जाता है तो वो बार बार वापस लाते हैं, फिर भी नहीं मानता है, तो आप दोबारा उस तरफ जाएगा तो मैं तेरा टांग तोड़ दूंगा, मैं कान काटूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो करूंगा करके माँ थोड़ा गुस्सा दिखाते हैं ना बच्चे को डराने के लिए। क्यों? दया और करुणा की वजह से। बच्चा उधर जाएगा, आगे जाएगा तो गिर जाएगा, आगे जाएगा तो पानी में जाएगा, आगे जाएगा तो आग में जाएगा। तो बच्चा को बचाने के लिए माँ जो है थोड़ा गुस्सा वाला रूप अपना लेते हैं। ठीक इसी तरह से जो है हम और आप जैसे जो धर्म को छोड़ धर्म से जो है पटक के जो है गलत रास्ते पे जाने वालों को और भगवान बुद्ध के टीचिंग्स को धर्मा को नुकसान पहुंचाने वालों को जो है डराने के लिए उन्होंने जो है ये डरावनी रूप अख्तियार किया है। तो अब ये रूप कैसे होते हैं? इनके तीन एक सिर होते हैं, उसमें जो है तीन आंखें होते हैं। ये तीन आंखें जो है तीन टाइम्स को देखने के लिए, तीन टाइम धास्पा पास्ट जो गुजर गया, माउंस्पा फ्यूचर जो आने वाला समय है मुस्तकबिल, और प्रेजेंट जो अभी है दास माउंस पास्ता तुसुम। ये तीनों टाइम में जो है कहाँ क्या हो रहा है, किसके साथ क्या करना है, वो सब जो है देखने के लिए जो है उनके पास तीन आंख है। और फिर उसके अलावा जो है जो उसके जो खच्चर है जिसके ऊपर पदर हम सवार है, उसके जो है लेफ्ट बैठक पे भी जो है एक आंख जिससे बहुत दूर तक पीछे आने वाले समय और पास्ट के जो है समय देख उससे भी देखते हैं बताते हैं। उनका जो है कलर जो है वो डार्क ब्लू है, और जो खच्चर है जिसके ऊपर सवार है उसका कलर जो है ड्रग येलो या लाइट ब्राउन बोल सकते हैं, ज्यादा ड्रग येलो है। खच्चर के जो है जो ये जो है श्रब बोलते हैं ना लगम, उसका सारा वो जो रासा वगैरह जो है सांप का है। खच्चर के ऊपर कठी है, कठी के ऊपर जो है इंसान का चमड़ा है जो एक बिल्कुल सिर के अंक साथ ही जो है एक साइड से लटक रहा होता है, वो कौन किसका चमड़ा था? वो अपना जो है वो राक्षस के साथ जो बेटा हुआ था, उनका बेटा भी बहुत खतरनाक राक्षस बनने वाला था जिसका उन्होंने वध किया खुद ही, और जिसका जो है ब्लड पिए मांस खाए और चमड़े को जो है उतार के जो है अपने सेडल पे डाला था, वो वाला आपको दिखाई देगा। और फिर इनके जो है ये राइट साइड ईयर है उसमें जो है एक शेर का जो है वो लगा रखा है उन्होंने, शेर के शक्ल का ये क्या बोलते हैं इसको कान में जो पहनते हैं लेडीज, ईयर रिंग बोलेंगे या जो भी है। और लेफ्ट साइड में जो है सांप पॉइजनर सांप का जो फन फैला हुआ सांप का जो है ये जो पहना होता है कान में बाली, ये जो है जो शेर वाला जो वो जो जो कान का में पहनने वाला है ये ऐसे कहा जाता है कि इंदिरा इंदिरा देव हाय वंशु छिन्नबो उन्होंने दिए थे। और जो लेफ्ट में जो है थान फैला हुआ सांप वाला ये जो कान में लगाने वाला जो है वो जो है हुई ग्याल्पो नागा लोगों का जो राजा है जोपो उन्होंने दिए थे। और फिर उनका बाल जो है बाहर पीछे की तरफ जो है फैलता है और पीला और लाल रंग का जो है बाल ऐसे बिखरे हुए हैं पीछे जैसे आग लग रहा है पूरे चूल में पूरे बाल में। और उनके जो है छत के ऊपर सिर के ऊपर मोर के पंख का जो है एक अम्ब्रेला है छत्ता है छोटा सा छत्ता, वो जो है ब्रह्मा ने उनको जो है गिफ्ट दी ब्रह्मा।
जिसको छंगपा बोलते हैं, और उनके जो है उनको दो गिफ्ट जो है वैष्णु ने भी दिए थे, छपजुक ने, छपजुक जिसको बोलते हैं, एक चांद और दूसरा जो है सूरज। चांद जो है उनके बाल में जो है आपको दिखाई देगा, बाल में सजाया रखा है, और जो सूरज जो है वो उनका सेवा, ये नबी है, नबी पे जो है उन्होंने सजा के रखा है। ये सब ध्यान से अगर आप पदा नामों के मूर्ति या थंका को देखेगा तो आपको ज़रूर मिलेगा ऐसा। उनका जो है कलर जो है जैसे मैंने बताया डार्क ब्लू है, उनका जो है फोर वाला पोर्शन जो है ऑलमोस्ट एक्सपोज है, और उन्होंने जो है एक आदमी का जैसे चमड़ा उतार के जो है ओढ़ लिया हो वैसे है, और उनके एक हाथ में जो मैंने बोला जो नरक से जो है लेके आया था एक डंडा जैसा, उसके ऊपर जो है ये धोर्जे थंडरबोल्ट, और उनके लेफ्ट हैंड जो है यहाँ, और उसके ऊपर जो है उनके जो बेटे का जो है कपल है, ये जो स्काल उसमें जो है ब्लड ब्लड जो राखी हुई, और उनका जो टोटल जो है जो इन्वायरमेंट है माहौल है जिसमें वो बैठे हैं उसमें जो है ब्लड और तूफान और ये सब हाउ डिस्टर्ब माहौल में जो है देखा है, और उनका जो है ये जो बेड है वो भी जो है सांप का बेड है, और हाथों में जो चूड़ियां भी जो है सांप के पैर, और आप ध्यान से अगर देखोगे तो उनके जो 600 बोलते हैं ना ये फंग, दो दांत जो है ऊपर से दो दांत नीचे से जैसे शेर वगैरह का निकलते ऐसे लंबे दांत है, और उसके बीच में जो है एक बच्चे को जो है उन्होंने चबा रखा है, बच्चे का सिर इधर से निकला हुआ पैर इधर से निकला, एक बच्चा जो है मुंह में उठाया है, वो जो उनका वो जो राक्षस वाला बेटा जिसको वो खा गए थे वो दिखाते हैं उसमें, वो आंखें जो है बहुत बड़े बड़े और बहुत डरावनी, और ऐसा मानता है कि एक्चुअली जो है वो इंडिया में हमारे भारतवर्ष में किसी न जमाने में जो है वो ये हमारे जो शिव जी है वो चुकचेनबो, उनका जो है एक वाइफ थी रक्षासनी, इन दोनों के बीच में जो है जो बच्चा हुआ था, तो हाँ वांगचुक छेनबो चाहता था कि एक लड़का हो लेकिन एक लड़की हुई, तो उससे वो नाखुश हो गए, जब नाखुश हो गए वो तो उन्होंने जो है वो बच्ची को जो है उठा के जो है जहाँ वो राख होते हैं ना चूल्हा जलाया हुआ राख, राख के बीच में डाल के छुपा के राख दी, बाद में वो राक्षसनी उसकी माँ जाके निकल के ले आए, इसलिए उनका जो है जो शरीर में जो है पूरा राख का जो है वो होता है लगाया हुआ राख, ऐसा भी कहा जाता है, यानी कि जो है किसी एक टाइम में पद्मा लामो जो है शिवा का बेटी थी, तो इस तरीके से, और फिर जब जब बाद में उसका अपना एक मैथोलॉजी है, अब उसमें जाने से बहुत लंबा होगा, अदरवाइज जैसे असुर और देव लोगों का जो है बहुत ज़्यादा झगड़ा जो है एक पेड़ को लेके होता है, जिसमें पेड़ का झाड़ जो है देवलोक असुर लोक में था, उसका जो है ब्रांची जो है देवलोक में था, तो पेड़ जो है असुर लोगों का था लेकिन फल जो है देवलोक खाते थे, उस टाइम जो है बहुत खतरनाक लड़ाई हुआ था, उस लड़ाई में जो है ये शिव की बेटी जो है उस टाइम उनका नाम जो है रबरे अब मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उसमें जो है बहुत बड़ा रोल अदा किए, और वो जो है उस रूप में जो है ये चमुंडा के रूप में जो है चमुंडा, इसे चमुंडा भी बोलते हैं इनको, चमुंडा करके एक हिंदू का जो है देवी है, और कभी कभी जो है उनका जो है कई कई जगह जो है काली के रूप में भी बताते हैं, कई जगह जो है मैथोलॉजी में
काली जो है इनका क्या बोलते हैं मालकिन, और ये जो है रुमाती जो है उनके जो है नौकरानी भी होते, मतलब सेवादार ये भी होते हैं, और ये दोनों जो है बहुत टाइम तक साथ साथ होता है, एक काली का रूप धारण करता है, दूसरा चामुंडा का रूप धारण करते हैं। तो इनसे जो है अगर पीछे जाएगा तो ये हिंदू माइथोलॉजी में भी थोड़ा घुस के जो है उससे भी जो है बहुत सारे लिंक्स है। अब वो सब करने से हमारा जो है सिर घूम जाएगा, तो हम यहीं रहते हैं। तो अब जो है ये फिर इनका जो है जो खच्चर है वो आगे से जो है एक पकड़े होते हैं, एक पीछे से जो है उनके चला होता है। ये दोनों जो है इनका नाम क्या, अब मैं इनका नाम भूल गया। एक का जो है जो शक्ल जो वो है वो होता है ये शुशिन का, शुशिन, और दूसरा जो है पीछे वाला जो उनके साथ चले होते हैं उनका जो है जो फेस जो है वो शेर का होता है। शुशिन सिंगे दोंगचान नामी दा सोलो छो तो चोले खिलना जो करके इनके सरके में लिखा है, शुशिन सिंगे दोंगचान नामी दा। और फिर उनका खौर बहुत है, रेटिनिस जिसको बोलते हैं ना खौर, उनके चमचे बोले या उनके जो है असिस्टेंट्स बोले, तो इसमें जो है जो हमारा जो तिब्बत का जो है क्या कहते हैं हमारा तिब्बत का सुमा फॉर एग्जाम्पल छेरिंग छेरना, छेरिंग छेरना, ये छेरिंग छेरना जो है तिब्बत का एक बहुत ही राक्षस टाइप का राजा, और उसके माँ का जो है बच्चे थे बेटियाँ थे ये ना, क्या क्या इनका नाम जो है आपने सुना होगा, छिरिंग छिरंगा है पांच जो है, मतलब छिरिंग छिरंगा है, उसके बाद जो स्तनमा चुगनीस, फिर दुदमोजी, मनमोजी, इस तरीके से जो है उनका जो है बहुत सारे जो है असिस्टेंट्स आसपास घूमने फिरने वाले, तो जे स्तनमा चुगनीस में से तोर्जे जमा को क्यों इस तरीके से है, राशिद सेरिंग सेरिंगमा, थेंगी जाजांगमा, मियो लोजांगमा, डिनजांगमा, तरचार डोजांगमा, ये सब जो पांच सेरिंग छेरिंगा है उनके जो है वो है। फिर दुर्जे चंती चंती लासो और दुदमोजी, कोंचून डेमो लासो मनमोजी, इस तरह से बहुत सारे जो है रेटिनिस जो है आपको दिखाई देगा इर्द गिर्द उनके थंका वगैरह में, मूर्ति में तो दिखाई नहीं देगा। तो बहरहाल जो है पद्म नामो बहुत ही इम्पोर्टेंट सुमा है, धर्मापाला है, हर जो तिब्बतन जो ट्रेडिशन से, चाहे गेलुगपा तो है ही, गेलुगपा में तो मेन मतलब जो है मतलब सुमा है, उसके अलावा भी करगुत्पा, करगुत्पा में भी करगुत छे जी छुंगत जो चार बड़े करगुत छोटे गंबोपा, जो गंबोपा से जो निकला हुआ जो है चार करगुट है उसको चार चार बड़े करगुट बोलते हैं। फिर गंबोपा का जो जैसे पल फक फगो डूबा फकडू, फकडू से और उनसे निकले हुए जो है आठ करगुट के स्कूल्स है, तो ये छह जी छू यार बोल के ये सभी मानते हैं, निगमा भी मानते हैं, सख्या भी मानते हैं, पद्म धामों को जो है हर कोई मानते हैं। पद्म नामो क्योंकि मैंने बताया वो बोधिसत्व है, संज्ञा की सात होते सा इनलाइटन जो है धर्मपाला है, इसलिए उनको जो है हम पूजा करने से, उनके शरण में जाने से, उनको जो श्रद्धा करने से, स्केपुलर हप्चा बोलते हैं ना एनश्राइनमेंट का जो टीचिंग से, उसके आगे नहीं जाता। बाकी हम जो दुनिया के जो दुनियादारी वाले ऐसे आलतू फालतू जो
भगवान लोग बोलते हैं अरुणाचल में, बड़े भगवान लोग है, दुनिया भर के हर गांव में भगवान लोग है इनके, उनको हम जो है अपने मदद के लिए बोल सकता है, लेकिन उनके सामने जाके प्रोस्ट्रेट करना, झुकना, उनके एंशराइन में जाना जो है, फिर बुद्धा धर्मा और संगा के एंशराइनमेंट के अलावा जो है हम किसी ऐसे अलतू फालतू जो है भगवानों के ये जो जो देवी देवताओं के इनके शरण में नहीं जाना है। वो जाने से जो है ट्रिपल जेम के शरण में जाने वाले जो है दूसरों के शरण में नहीं जा सकते, जाने से आपका जो है स्केप्टो से आप जो है खारिज हो जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन पदन लामो जैसे फुमा जो दिखने में बहुत डीटी जो है रेडफुल डीटी है, लेकिन बेसिकली वो चंचुक सेनपा है, बोधिसत्वा है। इसलिए बोधिसत्वा जितने भी है वो फसपे गिदुन गेदुन संगा के गिनती में आते हैं, बुद्धा धर्मा और संगा ये सब संगा की गिनती में आते, तो हम उनके एनशराइनमेंट में जा सकते हैं। वो क्वालिफाइड एनलाइटन गेजेटेड रूमा है नॉन गेजेटेड नहीं है। और तिब्बत में गेलुपा का तो है ही, बहुत इम्पोर्टेंट गेलुपा का जो है वहाँ तिब्बत से ल्हासा से जो है तकरीबन कुछ मेरे ख्याल में 200 किलोमीटर जैसा होगा, एक जगह है बताते हैं जहाँ पहाड़ों के बीच में एक झील है जिसको लामे लासो बोलते हैं, हामे लासो। और जो ये रुमाती ये जो पदान लामो मकसूर गलमो वो उस झील में जो है बसते हैं बताते हैं। उसके नज़दीक में एक गोम्पा भी है एक्सक्लूसिवली पदान लामो के लिए बना हुआ। तो ऐसा जो सिस्टम है तिब्बत में बताते हैं कि जैसे कोई दलाई लामा या पंजेन लामा जब यिंग शिक्षक होते हैं तो उनके री इंकारनेशन जो ढूंढना है, अगर री इंकारनेशन ढूंढने में ज़्यादा बहुत कष्ट हुए, तकलीफ हुए, नींद पता चल रहा है, तो कोई बहुत बड़ा लामा जाके हमें लाचों के ऊपर जो है वो मेडिटेशन करेगा और वो वहाँ जो साधना करेगा, तो लामे लाचों जो है वैसे ब्लैक कलर का पानी है तो उसका एक लेयर जो है ऐसे साफ हो जाएगा और उसके अंदर से दूसरे लेयर में जो है जहाँ भी दलाई लामा का रीन कार्नेशन या पंजेन लामा का रीन कार्नेशन पैदा हुआ होगा उसमें से दिखाई देगा। इसलिए लामे हमे लाचो ये हमो हमो मतलब पल्लम हमो का जो सो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट स्थान जहाँ लोग दर्शन के लिए जाते होंगे तिब्बत में, ये भी हमे लाचो आपने सुना। हमारे हिज होलीनेस 14 दलाई लामा का जो है जब रीन कार्नेशन 13 का रीन कार्नेशन 14 के छुन में जब ढूंढने गए थे तब लामे लासो से जो है उनको जो है हिंट मिला था, टिप्स मिला था। जो लामा जो वहाँ गए थे उन्होंने देखा कि एक लेयर ऐसे साफ हो गया, उसके अंदर से दूसरा लेयर बहुत साफ पानी है और उसमें जो है एक छोटा सा मकान जिसका जो है एक हिस्सा डबल स्टोरी एक हिस्सा ग्राउंड फ्लोर ही, मतलब ऐसे एक मकान दिखाई दिया उनको और पूरा इलाका दिखाई दिया और उस मकान का दरवाज़ा दिखाया दिया। उस मकान के दरवाजे पे किसी ने 3 अल्फाबेट लिखा हुआ था, आ का मा, जैसे किसी बच्चे ने दरवाजे पे चौक से लिख दिया ना, वो उसमें से लामे लाचो में देखे थे और उसी हिसाब से जो है फिर हिज होलीनेस 14 दलाई लामा गेरवा तेंजिन ग्यात्सो का जो है रीइंकार्नेशन जो है वहाँ से उनके आ कामा वाले मकान से वो मिले थे, ये आप पता कर लीजिए ये है उसमें। तो ऐसे है पदनाम हमो और बहुत ही जो है पे है सब जो है चिल्लप म्यूरपो एकदम चिल्लप देने वाला एकदम आपको प्रोटेक्ट करने वाला फुल प्रूफ प्रोटेक्शन इस जन्म के लिए भी इस जिंदगी के लिए डे टू डे लाइफ में हमको जो दुनियादारी में भी और उससे ज़्यादा जो है क्योंकि इनलाइटन जो है बोधिसत्वा है जिनको हम डीटी इदम इदम के रूप में भी जो हम साधना कर सकते हैं और एनलाइटनमेंट के लिए हमको जो है थरपा थरपा के लाम में जाने के लिए भी जो है प्रोटेक्ट करेगा, ये फुल प्रूफ धर्मापाला इसलिए कहा जाता है। बाकी बहुत सारे जो है तो धर्मापाला मिलेगा आपको जो रिश्वतखोर थानेदार की तरह है, पुलिस ऑफिसर की तरह, आप उसको सरकिम लगाओ कुछ कुछ जो है आप उसको कंसोल लगाओ उसको खुश करा दो तो थोड़ा आपका मदद करेगा, जिस दिन आप नहीं करेगा तो वो थानेदार जो है आपको
वो मांगने के लिए आएगा, हफ्ता हफ्ता नहीं देगा तो आपके पीछे उल्टा पड़ जाएगा। ये सब जो है जितन मर्जोक पे हा, जितन पे हा होता है ना, नॉन गेजेटेड वाले, उनको जो है नहीं मानना है, उनको किनारे कर दीजिए। पालन हामो जैसे अब चिछोच की डोलमा जैसे ऐसे जो इनलाइटन जो है धर्मापाला से, उनको मानने से जो है इस जन्म के लिए भी और अगले जन्म के लिए बहुत जो है उनका हेल्प, उनका जो है ब्लेसिंग्स हमें मिलेगा। तो इतना ही मैं कहूँगा, थोड़ा लंबा हो गया और ज़्यादा बोलने से जो है आप लोग दुखी हो जाएगा। लेकिन जब भी पद्म नामो का जो है मूर्ति या थंका या हब्दीर में देखते हैं, जो कुछ मैंने बताया आप देख लेना, ऊपर जो है मोर पंख वाला छाता, फिर चांद, उनके जो बाल जो है पूरा पीछे की ओर बिखरा हुआ है लाल रंग का, जैसे आग फैल गया हो, और उनके तीन आंखें, उनके मुंह में वो बच्चा, उनके जो है दाएं कान में जो है शेर के मुंह वाला बाली, बाएं कान में जो है फन फैलाया हुआ वजाना सांप का बाली, उनके जो है ये जो नाभि है उसमें जो है सूरज वाला, और उनका जो है कड़ाई वगैरह में जो है सांप के कड़ा पहना, ये बैंगल्स पहना हो, उनका जो है जो बेड है वो ही सांप का है, जो खच्चर है जिसके ऊपर वो सवार है, उनके जो है लेफ्ट थाई पे जो है आई, और उनका जो है जो श्रप बोलते हैं ना, उनका जितने भी रसा है वो सब सांप का रसा। और जो जो उनके जो है बेड में जो है वो भी बंधा होता है, जो बीमारी वाला जो थैला है ना, पूरा सारे बीमारियों को बंद करके थैले में बंद करके जो है वो भी लटकाया हुआ होगा। और पद्म हमें मोशो बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, प्रेडिक्ट करने के लिए जो है दो छोलो बोलते हैं ना हम, छोलो पासा, वो भी लटकाए हुए। तो ये सारे चीज़ें डिस्क्रिप्शन है पद्म हमों का, मैंने आपको बताया पद्म हमो असली बेसिक रूप में जो है वो सरस्वती का भी जो है रूप है, और वो जो है जेसुन डोलमा तारा का भी रूप है, उससे थोड़ा ज़्यादा रथफुल, लेकिन बहुत ही पद्म हमो जो मकदूर जन्मों के रूप में तो वो बहुत ही रथफुल है, डरावनी है, लेकिन उससे पोलाइट वाला जो है बीज वाला भी एक तंत्रों अब चिछोट की डोलमा, इच्छुक छोट की डोलमा, वो भी बहुत ही चिन्ना मेरा तो असली शुभा भाई है, मैं उनको मानता हूँ। तो उनके बारे में मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा। और ये सब आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, कभी बोलते हैं कि जो है लामा दोर्जे शांग का जो है कंसोर्ट है यूम है, कभी मैं बोला कि वज्रा बेरावा इदम दोर्जे जिगचेट का कंसोर्ट है, कभी ये बोलता है कि यंगचन माँ का जो है रूप है, कभी बोलते हैं कि तारा है, कभी बोलते हैं अच्छी छोच की डोलमा है, अरे है क्या ये, ऐसे कन्फ्यूज होगा। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूँ, ये जो पद्म हमो और कुछ जो डिटीज है वो एनलाइटेंड डिटीज है, यानी कि 24 कैरेट गोल्ड है, वो गोल्ड है, प्योर गोल्ड। हम मान लेते हैं जिसको बुद्धत्व प्राप्त हुआ है संज्ञास की 7 अंकों पर 10 जो भूमिज है बुद्धाहुड तक जाने के लिए, उसमें से जो है एक भूमि, दो भूमि, तीन भूमि जो भी मिलता है उस हिसाब से उनका स्टेटस है। तो पद्म नामो तारा, गोडेस तारा, ये सब जो है 10 भूमि संज्ञास मोस्पो है, बौद्ध सत्व है। लोग संज्ञास होने के बावजूद भी जो है दुनिया में हम और आप जैसे समसरा में जो दुख और तकलीफ में जो भटक रहा है, घूम रहा है, उनको सहायता करने के लिए, उनको मदद के लिए, उनको एनलाइटनमेंट की तरफ जो है ले जाने के लिए जो है वॉलंटरीली अपने मर्जी से जो है रह रहा है समसरा में, है ना। तो अब ये जो है इसलिए बोलते हैं हम इसको कि 24 कैरेट गोल्ड, जिसमें कोई मिक्सचर नहीं है, बुद्धा है। लेकिन कभी हम बोलते हैं कि जेसुन डोलमा के रूप में है, कभी बोलते हैं सरस्वती लामो यांगचान मा के रूप में है, कभी इसके रूप में, कभी उसके रूप में, वो क्या है? वो इसलिए है कि 24 कैरेट गोल्ड को हम अपने ज़रूरत के मुताबिक जो है चीज़ें बनाते हैं ना। कुछ लोग अंगूठी बना के पहनते हैं तो अंगूठी कहते हैं उसको, कुछ लोग जो है कान के बाली बना के पहनते हैं उसको बाली बोलते हैं, कुछ लोग जो है कुछ यहाँ हम गहू गहू बोलते हैं सोने का,
24 कैरेट का गहू भर के पहनते हैं। कुछ लोग सोना ये सब नहीं बनाते हैं, वो दिया दिया बनाते हैं, दिया जलाते हैं सोने के 24 कैरेट गोल्ड का। कुछ लोग जो है तिंग बना के उसमें यंचा फुचेस करते हैं, लेकिन कभी हम तिंग बोलेंगे, कभी दिया बोलेंगे, कभी अंगूठी बोलेंगे, कभी नेकलेस बोलेंगे, कभी जो है जो भी बोलेंगे, लेकिन है क्या बेसिकली 24 कैरेट गोल्ड संगे बोधिसत्व कमला कंदू तेरा तेज तुम पर किस जगह पे किस रूप में किस सूरत में किस शक्ल में लोगों को जो है फायदा पहुंचा सकता है, उस सूरत में वो आ जाते हैं। जिस वक्त जिस सिचुएशन में जिस रूप में आना जो है लोगों का जो है सहायता करने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए जो है अच्छा होगा, उस रूप में वो आ जाते हैं। आपका पिताजी फॉर एग्जांपल पुलिस वाला होगा, जब वो यूनिफॉर्म पहन के जो डंडा लेके जाएंगे तो उनका एक अलग रूप है ना, वो पुलिस का एसपी है, डीआईजी है, एसएसपी है, जो भी है, थानेदार है। लेकिन घर में आने के बाद यूनिफॉर्म उतारने के बाद जो है हम क्या बोलते हैं, हम अबाले बोलते हैं। ऑफिस में जब होते हैं तो एसपी साहब बोलते हैं, एसएसपी साहब बोलते हैं, है ना, या आईजी साहब बोलते हैं। घर में आने के बाद जो है वो पिताजी का रोल प्ले करता है, लेकिन हे वही पिताजी है ना सेम। इस तरीके से जो इनका अलग अलग रूप है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। तो अल्लाह नामों के बारे में मैं इतना बताया, थोड़ा लंबा हो गया, क्षमा करे सबों को। नमस्कार जुले टशी तरह। अगर आपको अच्छा लगे तो इस ये जो वीडियो है वो शेयर कीजिए ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और कमेंट्स लिखिए। अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगे तो छोड़ दीजिए, गोली मारिए। वैसे मैं एक चीज़ ज़रूर फिर से मैं बताना चाहूँगा, मैं गया में पोस्टिट हूँ, गया में एक छोटा सा गांव खेराती झुंपड़पट्टी है, बहुत गरीब लोग बीमार लोग रहते हैं, मैं उनका सहायता करता हूँ। उस गांव को मैंने एडॉप्ट किया है, अभी तक तो हुआ नहीं। अगर आने वाले दिनों में ये चैनल अगर मोनेटाइज हो जाते, YouTube से अगर थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है, तो मैं अपने तनख्वाह में खर्चा करता हूँ थोड़ा बहुत, अपना जितना हो सकता है उस पे थोड़ा सा और सहायता हो जाएगा, तो इस अच्छे कार्य में जो है मेरे साथ आप लोगों भी शामिल हो जाएंगे, भागीदार हो जाएगा, हिस्सेदार हो जाएगा। इसलिए जो है ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो कुछ भी उल्टा फुलटा यहाँ वक्ता और टूटे फूटे हिंदी में दूसरों तक पहुँचाइए। थैंक यू, धन्यवाद सबको, जुले नमस्कार, रशीद लेख।